नमस्कार, नवयुग प्रगति नवयुग स्कूल एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको एक कविता सुनाऊंगी। इस कविता में ही हमारे आज का विषय छिपा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। चिट्ठी में है मन का प्यार, चिट्ठी है घर का अखबार, इसमें सुख दुख की है बातें, प्यार भरी इसमें सौगाते, कितने दिन कितनी ही रातें, तय कर आई मीलों पार, ये आई मम्मी की चिट्ठी, लिखा उन्होंने प्यारी किट्टी, मेहनत से तुम पढ़ना बेटी, पढ़ लिख कर होगी होशियार, पापा पोस्ट कार्ड लिखते हैं, घने घने अक्षर दिखते हैं, जब आता है बड़ा लिफाफा, समझे चाचा का उपहार, छोटा सा कागज बिन पैर, करता दुनिया भर की सैर, नए नए संदेश सुनाकर जोड़ रहा है दिल के तार। तो कविता सुनकर व पढ़कर हमें पता चला कि हम इसमें चिट्ठी की बात कर रहे हैं। चिट्ठी को हम पत्र व खत भी कहते हैं। बच्चों, तो हम आज के इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे व समझेंगे। उद्देश्य, इस वीडियो को देखने व सुनने के बाद विद्यार्थी दैनिक जीवन में पत्र लेखन का महत्व समझेंगे, पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें जानेंगे, पत्रों के प्रकारों के बारे में जान पाएंगे, पत्र लेखन का सही प्रारूप समझ पाएंगे, लेखन कौशल एवं अभिव्यक्ति क्षमता का विकास कर पाएंगे। आधुनिक तकनीकी युग में संचार के विभिन्न साधन उपलब्ध होते हुए भी पत्र लेखन अपना विशेष महत्व रखता है। पत्र अपनों के बारे में हाल चाल जानने का सशक्त माध्यम है। पत्र में जो अपनापन और प्रेम होता है, टेलीफोन ईमेल उसका स्थान कभी भी नहीं ले सकते। पत्र लिखित भाषा का एक रूप है। पत्र के द्वारा हम अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। आधुनिक तकनीकी समय में संचार के नए नए साधनों के होने के बावजूद भी पत्र आपसी संबंधों को बनाए रखने का संचार का महत्वपूर्ण साधन है। पत्र लिखना एक विशिष्ट कला है, इसलिए पत्र लिखते समय मुख्य बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र में लिखे गए वाक्य छोटे छोटे और अर्थपूर्ण होने चाहिए। पत्र अनावश्यक रूप से बड़ा नहीं होना चाहिए। पत्र में विषय की स्पष्टता होनी चाहिए। पत्र में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए। पत्र पृष्ठ के बाएं ओर से प्रारंभ होना चाहिए। पत्र लिखने वाले के लिए उचित संबोधन तथा अभिवादन का प्रयोग होना चाहिए। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र जिन्हें हम बाहरी पत्र भी कहते हैं, अनौपचारिक पत्र जिन्हें हम घरेलू पत्र भी कहते हैं। औपचारिक पत्र, ऐसे पत्र प्राय उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे पहचान नहीं होती या जिनसे हमारा सीधे परिचय नहीं होता। ऐसे पत्रों को प्रार्थना पत्र भी कहते हैं। ऐसे पत्र विद्यालय के प्रधान अध्यापक, कक्षा अध्यापक, संपादक, पुस्तक विक्रेता, कंपनियों, व्यापारियों आदि को लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र, ऐसे पत्र प्राय उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारी पहचान और सीधा संपर्क होता है। अपने मित्रों, रिश्तेदारों तथा प्रियजनों को लिखे जाने वाले इन पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। ये पत्र मित्र, चाचा, मामा, नाना, दादा दादी, भाई बहन आदि को लिखे जाते हैं। आइए औपचारिक पत्र के बारे में विस्तार से जानते हैं। औपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें, जिसे पत्र लिख रहे हैं उसका संबोधन और पूरा पता तथा तिथि लिखनी चाहिए। विषय लिखकर पत्र लिखने का कारण लिखना चाहिए। औपचारिक पत्र में अभिवादन नहीं होता, इसमें महोदय, श्रीमान, मान्यवर आदि संबोधन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। स्वयं निर्देश के रूप में औपचारिक पत्र में भव्य, भव्या,
निवेदक निवेदिका प्रार्थी आपका आपकी विश्वसनीय आज्ञाकारी आज्ञाकारिणी आदि शब्दों का प्रयोग होता है। औपचारिक पत्र के अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ अपना नाम व विवरण लिखकर पत्र समाप्त करना चाहिए। आइए औपचारिक पत्र के प्रारूप को ध्यान से देखते हैं। औपचारिक पत्र के प्रारूप के आधार पर उदाहरणार्थ मुख्य अध्यापक को कारण बताते हुए फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र लिखते हैं। औपचारिक पत्र के बाद आइए अब अनौपचारिक पत्र के बारे में जानते हैं। अनौपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। पत्र के प्रारंभ में जो पत्र लिख रहा है उसका पूरा पता लिखने के बाद संबोधन और आयु के अनुसार अभिवादन लिखना चाहिए। अनौपचारिक पत्र में विषय नहीं लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र में प्रत्येक व्यक्ति को आयु के अनुसार संबोधित या अभिवादित किया जाता है, जैसे अपनों से बड़ों के लिए आदरणीय, पूजनीय, चरण स्पर्श, प्रणाम आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अपनों से छोटों के लिए प्रिय, चिरंजीव, सौभाग्यशाली, सदा खुश रहो, आशीर्वाद आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बराबर वालों के लिए प्रिय बंधु, प्रिय मित्र, सखी, सप्रेम नमस्कार, नमस्ते आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। स्वयं विदेश के रूप में आज्ञाकारी पुत्र, पुत्री, तुम्हारा शुभचिंतक, हितेशी, तुम्हारा, तुम्हारी, अपना, अपनी, मित्र, सखी, अनुज आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अनौपचारिक पत्र के अंत में पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में लिखकर आपका, आपकी, संबंध आदि लिखकर नीचे अपना नाम लिखना चाहिए। आइए अनौपचारिक पत्र के प्रारूप को ध्यान से देखते हैं। आइए अनौपचारिक पत्र के प्रारूप के आधार पर उदाहरणार्थ अपने मित्र को जन्मदिन का निमंत्रण देते हुए अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातों के साथ साथ जिस लिफाफे में पत्र भेजा जाता है उस पर भी लिखी जाने वाली बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिसे पत्र भेजा जा रहा है लिफाफे पर उसका नाम, पता तथा पिन कोड अवश्य लिखें। डाक टिकट अवश्य लगाएं। दाई ओर या लिफाफे के दूसरी ओर पत्र लिखने वाले का नाम, पता तथा पिन कोड लिखें। इस वीडियो को देखने के बाद हमने सीखा पत्र संचार का सबसे सस्ता और उत्तम साधन है।
पत्र भाषा का लिखित रूप है। पत्र लिखना एक कला है। पत्र की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे वाक्य होने चाहिए। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। पत्र लिखते समय प्रारूप का ध्यान रखना चाहिए। औपचारिक पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिससे हमारा व्यक्तिगत संबंध या सीधी पहचान नहीं होती है। अनौपचारिक पत्र सगे संबंधियों व व्यक्तिगत संबंधियों को लिखे जाते हैं। पत्र के बारे में ध्यान देने योग्य बातें जानने व प्रारूप को समझने के बाद आइए अभ्यास के माध्यम से अपने ज्ञान की जांच करते हैं। दिए गए शब्दों तथा संकेतों के माध्यम से दो दिन के अवकाश के लिए मुख्य अध्यापक को पत्र लिखिए। कविता वाचन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर मित्र को संकेतों के माध्यम से बधाई पत्र लिखिए। अपनी अभ्यास पुस्तिका में एक लिफाफा चिपकाकर उस पर अपने मित्र का पता लिखिए व डाक टिकट भी लगाइए। आशा है बच्चों इस वीडियो को देखने के पश्चात आप पत्र लेखन की सभी ध्यान देने योग्य बातों को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। इस वीडियो को ध्यान पूर्वक सुनने व देखने के लिए आपका धन्यवाद।